Hello guys, welcome to my channel Indian Mom Care and I am Aishwarya to welcome you. So guys, ये जो हेयर स्टाइल है ये मैंने हेयर स्टाइल नहीं किया, मैंने अभी अपने हेयर को वॉश किया, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं. सो इग्नोर इट. अगर आप जानना चाहें कि मैंने क्या क्यों ऐसा रखा है, अभी मैंने वॉश क्यों किया है, मैं तुरंत क्यों वीडियो बनाने आ गई, तो मैंने हिना लगाया था. मैं पतंजलि का हिना यूज़ करती हूँ गाइस. अब उसके रिव्यू आपको चाहिए या मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ उस हिना में, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो पूछ सकते हैं, तो मैं बताऊँगी. गाइस, आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस विंटर सीजन में, क्योंकि वो एक ऐसा इन्ग्रीडियंट्स है जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इस वक्त हमें वो उस इन्ग्रीडियंट्स को बच्चे को ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए. सो गाइस, हम लोग लेट्स कंटिन्यू करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प हो. एंड अगर आपका कुछ क्वेरीज या सजेशंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें. सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जायफल के गुण और फ़ायदे के बारे में कवर करेंगे. तो आप जानते हैं कि जायफल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है. यू नो, ये विंटर के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा वार्म करता है बच्चों को, जिससे उनकी सर्दी, ज़ुकाम और ठंड लगने के जो केसेस हैं तो बहुत कम हो जाते हैं. ऐसा नहीं है गाइस कि आप स्वेटर नहीं पहनाओ और जायफल को चटा के आप बाहर बच्चों को खेलने के लिए भेज दो, तो उस केस में जायफल फ़ायदेमंद नहीं है. जायफल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चों में नींद की कमी, अगर बच्चा सो नहीं रहा है आपका बच्चा, तो आप उसमें आप जायफल का जो घस के उसे हनी या दूध के साथ चटा दोगे, देन उसको बहुत अच्छी नींद आएगी और वो अच्छे से नींद नहीं कर पाएगा. एंड देन इस फिर से बॉडी पेन, जो बच्चे में अकड़न होती रहती है आधी रात को, वो एकदम बिल्कुल अकड़ते रहते हैं अपने शरीर को. आप कभी कभी देखोगे कि वो आधी रात में जग गया और बहुत ही शरीर को अपना ऐट रहा है, तो उस केस में बच्चों के जो बॉडी पेन है वो रिड्यूस करता है. फिर से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर बच्चा दूध पी रहा और बार बार उल्टी कर रहा है, तो उस केस में वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी वो बिल्कुल मैनेज करके चलता है. अगर इसको खाते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद ये हुआ कि उनके लिए सर दर्द, बॉडी पेन प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम, आँखों की रोशनी, तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है. एंड देन बच्चों के लिए दिमागी मतलब इंटेलिजेंसी लेवल को बढ़ाता है, उनके दिमाग को तेज करता है, उनके गले को साफ करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है. ये बड़े और बच्चे, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ. अगर जिसने नया नया डिलीवरी किया है, अभी डिलीवर वुमेन है, वो खाएंगे तो उन जो डिलीवरी के टाइम हम ज़्यादा बाहर नहीं करते, मतलब ज़्यादा ठंड से कांटेक्ट नहीं करते, तो बच्चे और प्लस जो माएँ नहीं हैं वो भी वो इस जायफल का फल को ले सकती हैं. ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पर ये फ़ायदा नहीं करता है गाइस, बिल्कुल हार्म करने लगता है, फिर वो अपोजिट हो जाता है. इसलिए आप बच्चों को एक से दो बूंद जायफल को दें, जिसमें हनी और मिल्क के साथ दे सकते हैं, और बड़े भी उसी क्वांटिटी में ले, ज़्यादा बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है. तो आज बस हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, मैंने जो था वो आपको बता दिया, जायफल के गुण और फ़ायदे, क्योंकि विंटर का सीज़न आ चुका है. मैं भी अपने बेटे को रोज़ देती हूँ, एक से दो बूंद मालिश के बाद मैं उसे रोज़ देती हूँ. फिर से अगर आप चाहें तो इसे तेल में घस कर, मतलब घस लो और सरसों के तेल में इसे मिलाकर मालिश करने से बॉडी बिल्कुल जो उसका स्किन है वो साफ़ रहेगा, जो भी दाग धब्बे. और अब क्योंकि बच्चा न्यू बॉर्न है, तो अगर आप शुरू से तेल में मालिश उसका करते रहेंगे तो दाग धब्बे जो भी उसके बॉडी में से रिमूव हो जाएगा. लेडीज़ भी जो हैं, जो अभी जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अपने फेस पे डार्क सर्कल्स, जो दाग धब्बे आ जाते हैं डिलीवरी के बाद, क्योंकि वो अपना अच्छा से ख्याल नहीं रख पाती हैं, ऑब्वियसली है बच्चों के साथ उनको अपना ख्याल रखने का बिल्कुल भी शुरुआती महीनों में बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, तो वो क्या करें कि उसके पेस्ट को, जायफल के पेस्ट को पानी या दूध के साथ मिला के अपने फेस पे लगाएं, जिससे
से बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। मैं भी लगाती थी डिलीवरी के बाद, जो थोड़ा सा मैंने अपने बच्चे को दूध या शहद के साथ चटा दिया फिर मैं भी लगाया करती थी, तो इससे दाग धब्बे और पिंपल्स कम होते हैं। ज़रूरी नहीं है सबको ही ऐसा इसके साथ कर, मतलब सबको ये यूज़ कर सकता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है, कैसे घसना है मैं इस वीडियो के बाद आपको बता दूँगी, और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट आप करते रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।